बच्चों, सातवीं क्लास के संस्कृत के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पांचवा अध्याय और पांचवें अध्याय का अभ्यास कार्य चल रहा है, जिसमें हम लास्ट प्रश्न कर रहे हैं गतिविधि। गतिविधियों में क्या है कि हमें स्वयं एक्टिविटी करनी होती है, सोचनी होती है। आपके सामने एक ये प्रश्न दिया हुआ है, भाई सत्संगति ही इति विषयम अधिकृत्य पाठ्यपुस्तकात् भिन्नम श्लोकम अन्विष्य अन्वेषणम कुर्वन्तु कक्षायाम च सस्वर तस्य पाठम कुर्वन्तु। तो सत्संगति जो है इस टॉपिक को लेकर के एक तो पाठ में जो श्लोक आया है उससे अलग कहीं से भी श्लोक ढूंढ करके आप अपनी यहाँ जो जगह दी हुई है यहाँ पर आप लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने डाला है सत्संगति अतो भविष्यति तरही भविष्यति। जो सत्संगति में रहेगा, सत्संगति में जो रहेगा समझ लो वो भविष्य भविष्यति मैंने बन जाएगा। जो अच्छे लोगों के संग में रहेगा तो समझ लो उसका जीवन बन जाएगा। अत दुर्जन संगे पतिष्यति, और अगर एक बार दुर्जनों के संग में पड़ गया तरही पतिष्यति तो वह गिर जाएगा अर्थात उसका पतन हो जाएगा। इसलिए हमें सदा अच्छे लोगों के संग में रहना चाहिए। दूसरा श्लोक आ सकता है संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, भाई संग से ही दोष और गुण पैदा होते हैं। अच्छे संग में रहेंगे तो अच्छा गुण और बुरे संग में रहेंगे तो बुरे गुण आ जाएंगे। रामचरितमानस में कहा है बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोय। भगवान राम की कृपा के बगैर अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलता और बिना सत्संग के विवेक यानी ज्ञान नहीं होता। तो हम जब तक अकेले पड़े हैं, हम सत्संग में नहीं हैं, अच्छे लोगों के साथ में नहीं हैं तो हम उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए हमें सत्संग यानी अच्छे लोगों का संगत करनी चाहिए। जैसे माता पिता के साथ बैठे उनकी आज्ञा का पालन करें, हमारे घर में दादाजी हैं तो उनके, आजकल तो टीवी का संग करते हैं लोग, मोबाइल का संग करते हैं और उसमें जो है कोई भी मूवी देख ली, कोई गेम खेल लिया, कोई उससे सब कुछ नहीं होता। हाँ, मोबाइल और टीवी में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, वो भी देखनी चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे जो जीवंत हमारे बुजुर्ग लोग हमारे पास हैं, उनके पास उनके जीवन का लंबा अनुभव है। उन्होंने ऐसे ही नहीं अपना जीवन गंवाया बिताया, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान बहुत कुछ सहन किया है और बहुत कुछ जाना है। इसलिए हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं वो लोग, तो उनके पास बैठ करके अगर हम उनसे अच्छी अच्छी कहानी सुने, अच्छी बातें सुने तो उससे भी हमारा कल्याण होता है, हमारा भलाई होती है। तो इसलिए सत्संगति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और हमारी पुस्तकों में सत्संग पर बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं। तो इसलिए जैसे लोगों की जैसे अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो हमारा ज्ञान हमारा विवेक हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर गतिविधि के तौर पर ये प्रश्न दिया है कि सत्संगति से रिलेटेड अच्छे अच्छे श्लोक ढूंढ ढूंढ के, चाहे नेट से ढूंढें, चाहे किसी बुक से ढूंढें, चाहे कहीं मित्र से पूछें, यहाँ पर लिखें आप 2, 4, 5 जितने लिख सकते हैं लिखें। अब पेज नंबर 43 पर हैं हम, अभी ये 42 पूरा हो गया हमारा, आइए 43 पेज पर क्या है व्याकरण कार्य। तो व्याकरण में क्या क्या दिया हुआ है जी, उसमें दिया है हमारा, आप देखें शब्द रूपाणाम प्रयोगः, शब्द रूपों का प्रयोग देखेंगे हम। विभक्तयः, शब्द रूपों में क्या होती हैं विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और फिर संबोधन। तो ये एक शब्द रूप में विभक्तियाँ पाई जाती हैं। विभक्ति को हिंदी में हम कहेंगे कारक, क्या कहेंगे कारकाणी कारक। जो कारक हैं वो अलग अलग हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है और अब आप यहाँ समझेंगे कि कारक हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए हम पढ़ते आए हैं। तो कर्ता कारक का जो काम है संस्कृत में उसमें प्रथमा विभक्ति से लिया जाता है। इसी तरह से जो कर्म कारक है उसके लिए हम दूसरी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और करण कारक जो है करण कारक करण से के द्वारा उसके लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और इसी तरह से संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से जुदाई उसके लिए पांचवी विभक्ति, संबंध के लिए छठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति,
अधिकरण कारक के लिए हम सातवीं पंक्ति का प्रयोग करते हैं, और संबोधन संबोधन होता है, दोनों तरफ संबोधन में संबोधन ही होता है। इस तरह से आपने आप कारक अच्छे तरीके से समझने हैं। कारक समझ में आ गए तो आपको शब्दरूप की विभक्तियां भी समझ में आ जाएंगी, और शब्दरूप और विभक्तियों के आधार पर ही हम वाक्य बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वाक्य अगर हम देखें, जैसे राम, घोड़ा, हाथी, खच्चर, गश्ती आदि आदि, कर्ता क्रिया सारे मिक्सअप मिला करके रख दें, जैसे कोई पहाड़ जैसे शब्द रख दें, तो उससे हमारा अर्थ का पता नहीं चलता। हम जब शब्दों को एक निश्चित क्रम में ने को से के लिए काके की परसर्ग जोड़ करके शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं, तो ही हमारा जो समूह है, शब्दों का समूह, वो एक वाक्य की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और फिर हमारा वो कर्ता कारक, कर्म कारक आदि कारक जो सही अर्थ हैं वो अर्थ देते हैं। अब आप इसको प्रयोग के तौर पर देखते हैं, जैसे प्रथमा के लिए बाल है गस्ती, दूसरे के लिए बाल का फलम खादती, तीसरा बाल का बस यानेन विद्यालयम गच्छति, चौथा बाल का पठनाय गच्छति, सह वृक्षात फलानि त्रोटयति, सह रामस्य मित्रम अस्ति, सह ग्रामे वस्ति, हे राम त्वम कुत्र वससि। तो ये सारे के सारे एक शब्द रूप की सारी विभक्तियाँ एक वचन की प्रयोग करके दिखा दिया आपको। इधर कर्ता हो गया, इधर क्रिया होगी, और बीच में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से द्वाई संबंध का के अधिकरण में परि, और हे संबोधन आ गया। तो इस तरह से ये सारे कारक यहाँ हिंदी के सिर्फ रूप बदल रखा है, बाकी वही का वही कारक संस्कृत में विभक्ति के नाम से प्रयोग किया जाता है। तो आप तैयार करेंगे।